गाइस, होप आप लोग सब अच्छे और बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे ब्लूस्टैक एमएसआई के अंदर जो हमारी बीजीएम 2.9 के अंदर 90 एफपीएस को ऑन, क्योंकि लास्ट की दो वीडियो में हमने जो बताया था कि आपने कैसे गेम को इंस्टॉल करना है, आपने मैचिंग का प्रॉब्लम कैसे फिक्स करना है, होप कि आपने वो दोनों वीडियो देखी होगी। अब बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि उसके अंदर हम 90 एफपीएस ऑन नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही आसान सा तरीका है गाइस इसको ऑन करने का, लेकिन मैंने एक वीडियो ही बना दी था जो सबको इस जो छोटी सी इसकी प्रॉब्लम का उसका सोल्यूशन मिल जाए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम खोलेंगे हमारे एमएसआई एमुलेटर को। पहले तो यहाँ पे हम हमारे एमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक सी सेटिंग है, मैं थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ। वैसे इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान वाली देने वाली, अपने डिवाइस को जो मैंने अभी रखा है S20 अल्ट्रा, इसी को ही रखना है। इस डिवाइस के अंदर ही आपको 90 एफपीएस का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसको हमने सेव कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिक्सर को ऑन करते हैं, क्योंकि गेम हमारी में स्टार्ट करनी है अभी। तो जैसे मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया कि फिक्सर के कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, अब फिक्सर को ऑन करके हमने इसको ऑफ़ कर देना और बैकग्राउंड से हटा देना है ऑफ़ करके। सो गाइस, अब हम गेम को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको अपनी जो है फेसबुक के साथ लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से। तो आप फेसबुक या जीमेल जिससे चाहे अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी फेसबुक के साथ इसको लॉगिन कर लिया और अब हम इसको गेम के अंदर इंटर होते हैं और देखते हैं कि हमारा जो 90 एफपीएस एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो वैसे तो 100% हो जाएगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लेते हैं सेटिंग्स के अंदर जाके, और अभी आप देख लीजिए 90 एफपीएस हमारा स्मूथ पे 90 एफपीएस हमारा ऑन हो चुका है। तो इस डिवाइस के अंदर अगर आप ऑन करोगे तो आपको 90 एफपीएस आराम से देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स को लगा के एक मैच भी खेल के दिखाता हूँ आपको, ताकि जो आपको कोई लगे ना कि मतलब कोई फेक फेक वाला काम है, एकदम ओरिजिनल है यार, कुछ भी हमने फेक वाला काम करते ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारी सेटिंग्स को चेंज कर लिया, कुछ कंट्रोल को भी कर लेते हैं हम लोग चेंज। यहाँ पे एक मैप खेल के देखते हैं नया एंगल, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब जहाँ पे मैचिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और गेम के अंदर इंटर होते ही सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हमें फिक्सर लगाना है ताकि हम गेम से एग्जिट ना हो पाए। तो ये फिक्सर लगाना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप इस एमुलेटर को यूज़ कर रहे हो, तो ताकि आपको गेम से बाहर ना निकलना पड़े, लॉबी के अंदर ना आना पड़े। तो ऑटोमेटिकली आपको ये एमुलेटर जो है कि गेम से बाहर कर देता है अगर फिक्सर ऑन करके छोड़ दोगे पीछे इस टाइम लॉबी के अंदर आने के बाद। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा छोटा सा गेम प्ले जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो आप इस तरह से इस सेटिंग को चेंज करके 90 एफपीएस आराम से अपने गेम के अंदर एक्टिव कर सकते हैं। और गाइस, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना मुझे या डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर लेना, मैं वहाँ पे बैठ के आपका थोड़ा बहुत सेटअप के में को सेट करने में हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करें।